दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, महिलाओं को हीन भावना से देखना, घूंघट में रहने के लिए विवश करना, यह सब वो कलंक हैं जो कल तक कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा प्रदेश का सिर शर्म से झुका रहे थे। लेकिन आज जमाना तेजी से बदल रहा है, महिलाएं अपने हकों को पहचानने लगी हैं और पुरुष भी अपनी पत्नी की कामयाबी में खुद की कामयाबी देख कर फख्र महसूस करने लगे हैं। ये कहानी है यमुनानगर शहर के श्वेता और समनदीप अटवाल की। जी हाँ, पति द्वारा प्रोत्साहित करने के बाद आज श्वेता ने एक बेटा होने के बावजूद साउथ अफ्रीका के डरबन में मिसेज यूनिवर्स के खिताब पर भारत का कब्जा जमा दिया है। इससे पहले यह खिताब ऑस्ट्रिया की सुंदरी के पास था। हरियाणा की बहु श्वेता का किचन से क्वीन तक का यह सफर और कथित पुरुष प्रधान समाज के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं है। मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है और हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इस प्रदेश के लिए हम बहुत खुश हैं कि हम लोग कुछ कर पाए, इस देश के लिए हम कर पाए। उस लेवल पर जाकर इस मुकाम को हासिल करना, टॉप फाइव में आना और इंडिया की पहली वुमन बनना, मिसेज यूनिवर्स में पहली बार टॉप फाइव में आना, हम सबके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा पूरा परिवार बहुत ही खुश है हम दोनों की अचीवमेंट से, और इससे बड़ा मैं कुछ और कह नहीं सकता कि हम दोनों अब इमेज कंसल्टेंट्स हैं और हम दुनिया को इमेज की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो हमें एक एग्जाम्पल सेट करना था जब, और इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी को खुद जब ढूंढा और देखा कि ये कुछ कर सकती हैं इसमें, तो मैंने इनको पूरा सहयोग देने की कोशिश करी क्योंकि ये अपने आप में मैं चाह रहा था कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। इनमें बहुत कैलिबर था मगर हमारे परिवार के लिए इन्होंने बहुत टाइम दिया और मैं इसके लिए उन्हें बहुत सपोर्ट करना चाहता था। और जैसे ही हम एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ाते रहे इस प्रतियोगिता की तरफ, मिसिज इंडिया की तरफ, उसी तरह हम सफलता की ओर बढ़ते जा रहे थे और हमें हमारे दोस्तों का, हमारे परिवार का बहुत सपोर्ट मिला इसके अंदर। इन्होंने कमेंट्स करे और बहुत पॉजिटिव कमेंट्स करे और जब सोशल मीडिया पर ये कमेंट्स देखे मिसिज यूनिवर्स वालों ने, तो उन्होंने पता लगा कि मिसिज इंडिया को एक बहुत बड़ा लोग फॉलो करते हैं और वो कैंपेन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस भी हमारा टॉप था जब हमारे लोकल लोगों ने बहुत सहयोग दिया इसके अंदर, और वहीं से हमारी रिकॉग्निशन इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ती चली जा रही थी।